नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ जहां जनप्रतिनिधि मतदाताओं के पास जा रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग के साथ ही सरकार भी एक्शन के मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से प्रशासनिक रूप से तैयारियां शुरू हो गई है। अधिकारियों को चुनाव को लेकर जिम्मेवारी दी जाने लगी है। ऐसे में नीतीश सरकार पंचायत चुनाव प्रमंडल स्तर पर कराने की बात कह रही है। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव प्रमंडल स्तर पर होंगे। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर बहुत जल्द निर्णय लिया जा सकता है। आयोग के साथ पंचायत चुनाव पर चल रही मंथन के दौरान पंचायती राज विभाग ने परामर्श दिया है कि प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराना कई मायनों में बेहतर होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 9 प्रमंडल हैं। अगर आयोग प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराने का अंतिम निर्णय लेता है तो चुनाव 9 चरण में संपन्न कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों के चुनाव अप्रैल से मई 2021 के बीच में होने हैं। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग बूथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने में जुट गया है। इधर प्रशासन भी चुनाव को लेकर तैयारियां में जुटा हुआ है। इसको लेकर इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रमंडल वार चुनाव कराने को लेकर पंचायती राज विभाग का मानना है कि इससे किसी भी जिले में अधिक दिनों तक आचार संहिता लागू नहीं रहेगा। इससे संबंधित जिले में विकास के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। प्रदेश के हर जिले में कई कई चरणों में चुनाव होने से काफी दिनों तक आदर्श आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रह सकता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन भी अधिक दिनों तक चुनाव सम्पन्न कराने में के कार्यों में लगा रहेगा। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रमंडलवार चुनाव कराने की सुविधा होगी। बिहार में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद समेत 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव पहली बार ईवीएम से कराने की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर सरकार ईवीएम खरीदने पर सैद्धांतिक निर्णय ले चुकी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने की कार्रवाई चल रही है। ईवीएम से चुनाव कराने के लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट तथा 90,000 बैलेट यूनिट की खरीद की जाएगी। चूंकि आम ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी से लेकर 6 पद होते हैं, इसीलिए 90,000 बैलेट यूनिट की खरीदारी की जा रही है। आपको बता दें कि हर बैलेट यूनिट में अलग अलग पद के लिए लोग वोट कर सकेंगे। एक कंट्रोल यूनिट मतदान कर्मी के पास होगा, जिससे सभी 6 बैलेट यूनिट जुड़ सकेंगे। एक चरण का चुनाव सम्पन्न होने के बाद ईवीएम दूसरे चरण के चुनाव के लिए भेज दिया जाएगा। इससे पहले उसमें से कार्ड निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि बैलेट यूनिट की खरीद में 90 करोड़ तथा कंट्रोल यूनिट में 17 करोड़ की जरूरत होगी। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले कार्ड की खरीद में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना काल में होने वाले चुनाव में यह बिहार में दूसरा चुनाव होगा। इससे पहले प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।